आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये वाला एनिमे, वो भी हिंदी डब के अंदर। अभी से मत तय करो, मैंने अभी तक जितना उसे देखा है मैं ये कह सकता हूँ उसमें स्किल नहीं है, उसे वहाँ बहुत ज्यादा थकान हो रही होगी, ये नॉर्मल ट्रेनिंग से बहुत मुश्किल है। हाँ वे सही कहा, इस किताब में जो लिखा था मैंने वही कहा, मैं इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। बार बार किताब में चेक करने से तुम तंग आ चुकी हो, मुझे ऐसा लगा था। मेरा वो मतलब नहीं था, वैसे पता नहीं था तुम इतने अच्छे भी हो। अब चलो, हमें उसकी ट्रेनिंग डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। लगता है मेरी गैर मौजूदगी में दोनों एक अच्छी टीम बन चुके हैं। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। रूटो, आज के लिए बस इतनी ट्रेनिंग काफी है, तो बताओ कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तुम हर बार अपने आप को इतना नहीं झोंक सकते। सकुरा ये तुम्हारे लिए लाई थी। तुम भी ना सकुरा, उसकी बनाई फूड पिल से जरूर मदद मिलेगी। आओ। ये किस जन्म का बदला लिया तुमने? ओके, अब वापस शुरू करते हैं। यकीन नहीं होता नरूटो अब भी ट्रेनिंग कर रहा है। वाओ नरूटो, तुम एक छोटा सा ब्रेक क्यों नहीं ले लेते? अगर मैंने अपना 100% नहीं दिया तो मैं कभी सासुके की बराबरी नहीं कर पाऊंगा। Hey, तुम कैसी हो सकुरा? ओह, इरोका सेंसी। सच में नारुतो सबसे अलग है, सभी स्टूडेंट्स कितने काबिल बन चुके हैं। वो सच में बहुत स्ट्रांग हो गया है ना सेंसी? काफी बदल गया है ना? अच्छा, उन्होंने चिरिकू को भी हरा दिया। मैं बाहर कष्ट लगाने गया था तब टेंपल पर हमला हुआ, जब तक मैं लौटा तब तक सब वो जरूर अकात्सुकी ही होंगे। आखिरकार वो यहाँ आ ही गए, पर वो यहाँ से जा नहीं पाएंगे। मुझे बस इतना ही कहना था, अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो वह भी पूछ सकता है। आसुमा, चिरिकू तो गार्डियन शिनोबी में से एक था, अकात्सुकी ने उसका सामना किया होगा, या उस वक्त वो वहाँ पर नहीं था या फिर? और चिरिकू ने अकेले ही उन दोनों अकात्सुकी का सामना किया था, पर वो बच नहीं सके। चिरिकू, नहीं ये नहीं हो सकता। जानना चाहती हूँ उनके इरादे क्या है, अगर उन्हें पकड़ना मुश्किल है तो उन्हें खत्म कर देना। अब जाओ। हम कभी टीम आसुमा का नाम खराब होने नहीं देंगे। ऑलराइट, तो अब हम पहले फायर टेंपल से शुरुआत करेंगे। किसी ना किसी को तो ये करना होगा, चलो चले। आसुमा सेंसेई, पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आप फायर टेंपल से उस चिरिकू को बहुत अच्छे से जानते हो। मैंने कभी बताया नहीं, मैंने उससे फाइट की थी एक भाई की तरह। टेंपल आसपास ही कहीं है, जल्दी करो। आज रात चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत अच्छे सकुरा, मुझे तो हमेशा से पता था कि तुम कमाल की हो। ये सच है, सब बदल रहे हैं। नारुतो ने एक ऐसी ट्रेनिंग शुरू कर दी है जिसे करने की कोई सोच भी नहीं सकता। ओह नारुतो, मैं उसके लिए बस छोटी छोटी चीजें ही कर सकती हूँ। एक टूटता तारा। सासुके, अगर मैं हार ना मानूं, अगर मैं अपनी पूरी जान लगा दूं, तो मैं ये कर सकता हूं। ओके, तो आप ये लो। मैंने कर लिया। यकीन नहीं होता वो इतनी जल्दी कामयाब हो गया। हमें बहुत होगा। वेल डन नारुतो, अब आप तुम्हारे अपने स्पेशल जुत्सु पर टॉप करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझ आया। नारुतो, तुम ठीक हो? मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए ना। तो तुम अब वाला भाई के भूत काट लो। ये निशान उन दोनों के नहीं है। हाँ लुटेरे, दोनों बुजुर्गों को यहाँ नहीं होना चाहिए। हाँ, पर हमने सोचा कि आने वाली लड़ाई में हम दोनों मदद कर देते हैं। तुम ली सुनाड़े, जरूरी खबर है, हमारी नजरों से एक परिंदा भी नहीं बच सकता। ली सुनाड़े, हमें थर्ड टीम से एक रिपोर्ट मिली है। एरियस एफ और जी दोनों क्लियर है मैम। हम उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? चिरिकू, ये टेंपल है या खंडर? आप सभी लीफ विलेज से आए हैं ना? आप सभी को मेरा आभार, मैं इस फायर टेंपल का हेड मॉन्क हूँ। हमने इस जगह को ठीक करने के लिए आसपास के टेंपल से मदद मांगी है। ये किसकी हरकत है? की जगह पर चिरिकू कहाँ है? दरअसल
हमें अभी तक लॉर्ड चिरिकू का शरीर यहाँ कहीं पर भी मिल नहीं पाया है। और अभी भी चिरिकू के सर पर 3 करोड़ रुपए का इनाम ब्लैक मार्केट में है। ऐसा भी हो सकता है कि अकात्सुकी को इसके बारे में खबर लग गई हो। इज़ुमो कलेक्शन ऑफिसर्स कहाँ है? एक ऑफिस तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। अब बाकी टीम्स अपने पास वाले कलेक्शन ऑफिस की तरफ जा सकती है। मुझे आप सबके लिए एक प्रार्थना करने की अनुमति दीजिए। ये तो हमारा सौभाग्य होगा। नामुशोग्यो चिरिको, काश मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा और वक्त बिताने को मिल जाता। मूसो, आप सब इस सफर में सुरक्षित रहें। हे, वो तो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था ना? यहाँ कोई नहीं है ना? क्या नरूटो की ट्रेनिंग पोस्टपोन हो गई? हाँ समझ गया, चलते रहो, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। तब तक हम दोनों यहाँ हैं, क्यों ना तुम एक बार इसे टेस्ट करो। मैंने खुद जड़ी बूटी की, इससे तुम्हारी स्किन के आए। मुझे चक्कर आ रहे हैं, उससे मेरी सेहत ठीक होना तो दूर, उसका और कबाड़ा हो गया। देखो नरूटो, हम पहुँच गए। ऑर्डर लिख लो अंकल, एक बड़ा बोल नूडल्स और एक्स्ट्रा लार्ज एग्स। आज से हम डिपिंग नूडल्स बेचेंगे। तुमने सुना नहीं, हमने नूडल्स बॉल्स बेचना बंद कर दिया है। एक सेकंड, तो क्या अब ये एक डिपिंग नूडल शॉप है? अरे आप दोनों ये क्या बड़बड़ा रहे हो, मुझे तो बस एक बड़ा बोल नूडल चाहिए। आज हमने सिर्फ डिपिंग नूडल्स बनाए हैं। मुझे लगा था तुम्हें नूडल्स बॉल्स की कद्र है नरूटो, लेकिन तुम भी बाकियों की तरह निकले। इस गरीब भूखे को जल्दी से खाना खिला दो। 3 ऑर्डर्स डिपिंग नूडल्स के। ठीक है, तो खाओ इस चिराकू के नए स्पेशल डिपिंग नूडल्स। ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, डिपिंग नूडल्स है और तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। पेट में चूहे दौड़ रहे हो तो कुछ भी खाने को मिल जाए, टेस्टी ही लगता है। मेरा पेट तो बहुत भर गया। ऑल राइट, अब हम वापस ट्रेनिंग पर लौटते हैं। आपका शुक्रिया, और ये रहा आपका बिल, आने के लिए शुक्रिया। और छुट्टे भी रख लीजिए। काकुजू, तुम्हारी बातें सुन सुन कर मुझे चिढ़ होने लगी है। हम यहाँ पर कोई छुट्टियाँ मनाने नहीं आए हैं। एक बार मेरी जगह खुद को रख कर देखो। अपना मुंह बंद रखो और चलते रहो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये वक्त की बर्बादी है। ये वक्त की बर्बादी है, ये एक जरूरी मिशन का हिस्सा है। तो जो भी हो, मुझे पता है तुम जो करते हो पैसे के लिए करते हो। बुरा मान गए क्या? आई एम सॉरी। देखा, आखिरकार मैंने तुम्हें भड़का ही दिया। क्या हुआ, लड़ोगे भी नहीं? इस मिशन के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगा। फिर से वही सब। तो सेंसे, आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे? हाँ, ध्यान से देखना। प्रकाशी सेंसे, क्या आप भी रासेंगान यूज कर सकते हैं? आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करना मत भूलना। I'm not the biggest shit, but